भीष्म द्वादशी 2020 अष्टमी के दिन भीष्म ने प्राण त्यागे, लेकिन द्वादशी को होती है उनकी पूजा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी का व्रत किया जाता है। इसे तिल द्वादशी भी कहा जाता है। इसमें 3 दिन पहले अष्टमी तिथि पर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके तर्पण व पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी तिथि को निश्चित किया गया है, जिससे इस तिथि को भीष्म द्वादशी कहा जाता है। वही इसी तिथि में पूर्वजों का तर्पण करने का विशेष विधान भी है। इस बार भीष्म द्वादशी 6 फरवरी यानी कि कल पड़ रही है। बता दें कि द्वापर युग में हस्तिनापुर में शांतनु नाम राजा और उनकी पत्नी गंगा थी। रानी गंगा ने देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। देवव्रत के जन्म के बाद अपने वचन के मुताबिक गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई। एक बार राजा शांतनु गंगा नदी पार करने के लिए सत्यवती नाम की कन्या की नाव में बैठते हैं और उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। राजा शांतनु सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, मगर सत्यवती के पिता शर्त रखते हैं कि सत्यवती की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। राजा शांतनु इस शर्त को नहीं मानते हैं। वहीं इस बात का जब देवव्रत को पता चलता है तो वे अविवाहित रहने का संकल्प लेते हैं। इसके साथ ही सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा देते हैं। पुत्र की प्रतिज्ञा सुनकर राजा शांतनु देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए।